वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश चंद्राकर अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज और दिगंबर जैन समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। वैशाली नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर लोगों की समस्याओं और मांगों पर सकारात्मकता के साथ विचार करते हुए उनके निराकरण के लिए आश्वस्त किया। सभी धर्म के लोगों के बीच मुकेश चंद्राकर को भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। मुकेश चंद्राकर लगातार डोर टू डोर घूमकर कांग्रेस के पक्ष में दिखे जा रहे हैं। हम लोग आज हमारी पूर्वजों के गांव, हमारे गांव कोहकस में आज हम लोग सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। यहां पर प्रत्येक गली में और जन जन तक, प्रत्येक घर में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भरपूर, चूँकि ये हमारा पूर्वजों का गांव है और हम यहाँ के बासिंदे हैं पुराने, तो यहाँ पर प्रत्येक लोगों से भरपूर स्नेह, भरपूर प्यार और आशीर्वाद यहाँ पर हम लोग को हर घर में मिल रहा है। इसमें तो कोई बात और कोई शक की बात ही नहीं है। इस समय कांग्रेस जो यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बन रहा है वैशाली नगर से, और माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सिलेंडर में 500 रुपये छूट की घोषणा की है। सभी भाई बहनों को मैं बता देना चाहूँगा, उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक का सारी शिक्षा को निःशुल्क किया है। उन्होंने अभी घोषणा किए हैं कि भाई जितने 200 यूनिट तक का बिल है वो सबको निःशुल्क रहेगा, 400 यूनिट तक का जाएगा तो उसका 400 का हाफ लगेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जनहित ऐसी कार्य जो पहले भी उन्होंने घोषणा किया था 5 साल में पूरा कर दिए हैं, और अभी जो वर्तमान में जो बोले हैं, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है कि टैग का चलता है, तो सबको विश्वास है भरोसा पे, भूपेश जी पे भरोसा है, और ये पूरी जनता जो है पुनः आशीर्वाद दे के उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत शानदार दौरा रहा, यहाँ पूरी जनता, गाँव की पूरी जनता जनार्दन जो है हमारे साथ रही, सभी ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने प्यार दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं ने पूरा आशीर्वाद दिया है, और यूथ कांग्रेस ने भरपूर प्यार दिया है।